हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स मेरी यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी इन हिंदी में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो जो है SSB, जी हाँ SSB में, जैसा कि आप सभी लोग को पता है SSB में जो आप लोग की वैकेंसी आने वाली है, इसमें आप लोग की कॉन्स्टेबल ड्राइवर की भी काफी अच्छी वैकेंसी आने वाली है। तो आप लोगों के लिए मैं एक जो आप लोग का SSB प्रीवियस ईयर का पेपर लेके आया हूँ, जी हाँ स्पेशली कॉन्स्टेबल ड्राइवर SSB वालों के लिए, जो कि 2017 में आप लोगों का हुआ था, जिससे आप लोग की बहुत ही अच्छी मदद होने वाली है। जी हाँ इस पेपर को मैंने लाने में बहुत मेहनत करी है, तो ये पेपर मैंने स्पेशली कॉन्स्टेबल ड्राइवर वालों के लिए लाया है। 2016-17 का ये पेपर है, आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, किसी भी प्रकार का इसमें कोई बनावट नहीं है। 16-4-2017 का पेपर है, जो एग्जाम हुआ था इनका कॉन्स्टेबल ड्राइवर SSB का, पहले ठीक है अनुक्रमांक वगैरह है, कोड वगैरह है, और इसमें जो आप लोग का एग्जाम होता है 100 क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर के, और आप लोग को जो 2 घंटे का टाइम मिलता है, मीन्स आप लोग को 120 मिनट का टाइम मिलता है, और आप लोग को 100 क्वेश्चन यहाँ पे करने होते हैं। क्वेश्चन आप लोग के सभी प्रकार के होते हैं, इसमें हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग, हिंदी इंग्लिश में से आप लोग को एक करना होता है, इसके अलावा आप लोग का मैथ रीजनिंग GK, और इसके अलावा आप लोग के जो है इसमें कुछ ड्राइविंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 6 या 7-8 क्वेश्चन आप लोग के ड्राइविंग से रिलेटेड होते हैं। बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता पेपर, बहुत ही अच्छा और बहुत ही इजी होता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो फ्रंट पेज है, फ्रंट में जैसा कि लिखा होता है आप लोग का 1 से 25 तक हिंदी और 1 से 25 तक इंग्लिश, यानी कि हिंदी इंग्लिश में से आप लोग किसी एक को चुन करके उसके आंसर दे सकते हैं। इसके अलावा सभी के आंसर आप लोग को बाद में देने होते हैं, यानी कि हिंदी इंग्लिश में से ही सिर्फ आप लोग को एक चुनना होता है। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें जो 1 से 25 तक इंग्लिश है, ठीक है, इसके आंसर मैंने आप लोग को इससे पहले वीडियो बनाया हुआ है। यदि आप लोगों को इंग्लिश में इंग्लिश के क्वेश्चंस के आंसर देना चाहते हैं और वीडियो आप लोग पहली बार देख रहे हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो है इंग्लिश वाले क्वेश्चंस का जो है पूरा वीडियो डाल रखा है, उसमें आप लोग को इंग्लिश वाले क्वेश्चंस मिल जाएंगे पूरे A to Z। आप लोग देख सकते हैं ये इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इजी है। यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक्स वगैरह आते हैं, ठीक है, सिनोनिम एंटोनिम्स आते हैं, मिस स्पेल्ड वगैरह आते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आता, बहुत ही इजी पेपर आता है। सिनोनिम एंटोनिम्स आप लोग देखेंगे, ठीक है, और स्पेलिंग जो मिस स्पेल्ड होते हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, फिल इन दी ब्लैंक्स सबसे ज्यादा होती है। तो यदि आप लोग हिंदी इंग्लिश नहीं करते हैं, हिंदी करते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं आप लोग हिंदी वाले क्वेश्चंस के आंसर देंगे, जैसे कि यहाँ से 1 से शुरू है। तो आज का जो मेरा वीडियो ये हिंदी वाले बच्चों के लिए, जो कि हिंदी के क्वेश्चंस स्पेशली देना चाहते हैं। यदि आप लोग इंग्लिश के जानना चाहते हैं तो आप लोग को मेरा वीडियो देखना पड़ेगा, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और यदि हिंदी के बाद के क्वेश्चंस आप लोग को जो है मेरे आने वाले वीडियोस में मिलते रहेंगे, ठीक है। सभी के लिंक मैं सभी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग 1 by 1 सब देख लेंगे, कोई दिक्कत आप लोग को होने वाली नहीं। अभी जो है आज का मेरा वीडियो में हिंदी से स्टार्ट करता हूं, और आज देखते हैं कितने क्वेश्चंस मैं इस वीडियो के अंदर ले सकता हूं, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे सबसे पहला जो हिंदी का क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, ठीक है, शुद्ध वर्तनी का यहाँ पे चयन करना है आप लोग को, अन्वेषण या अन्वेषण। तो आप लोग देखिए इसमें कौन सा जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसकी जानकारी आप लोग को होनी चाहिए यदि आप लोग हिंदी से एग्जाम दे रहे हैं। जी हाँ इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग को आएंगे इसमें भी, ठीक है। तो आप लोग देखिए अन्वेषण होता है, अन्वेषण होता है, या फिर अन्वेषण होता है, या अन्वेषण होता है, पहले का क्या होने वाला है, जल्द से जल्द आप लोग बताइए। जी हाँ जल्दी से जल्दी सोचिए, 3 से 4 सेकंड का आप लोग के पास टाइम है। तो पहले का जो आंसर होगा यहाँ पे अन्वेषण, जी अन्वेषण, आप लोग देख सकते हैं ये अन्वेषण, ये है आप लोग का पहले का बी, ठीक है, यही आंसर है आप लोग का, आप लोग देख लेंगे। इसके बाद जो दूसरा है, निम्नलिखित में जो जोड़ा विप्रार्थक नहीं है उसे चुनिए, तो जो विप्रार्थक नहीं है आप लोग को उसको चुनना है, आय व्यय यानी कि ये तो विप्रार्थक है, और इसके बाद है आप लोग का धर्म अधम, ठीक है, इसके बारे में आप लोग सोचिए। इसके अलावा गुरु लघु, ये भी आप लोग का जो है विप्रार्थक है। इसके अलावा सरल कठिन, ये भी विप्रार्थक है, यानी कि आप लोग का बी धर्म अधम ये आप लोग का गलत है, ये विप्रार्थक नहीं है। तो दूसरे का बी जो है बिल्कुल सही आंसर है आप लोग का, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आप लोग को मिलेंगे। इसके अलावा पति, तीसरा है आप लोग का पति एवं पत्नी का जोड़ा, पति एवं पत्नी के जोड़े को क्या बोला जाता है, पुरुष स्त्री या फिर युग्म दंपत्ति युगल। बहुत ही इजी है, मुझे लगता है आप लोग को 2 सेकंड से ज्यादा इसमें नहीं लगना चाहिए। पति एवं पत्नी का जोड़ा क्या कहलाता है, जल्दी बताइए, दंपत्ति, जी हाँ बिल्कुल इजी, बिल्कुल सिंपल, दंपत्ति। तो यदि आप लोगों ने आंसर बिल्कुल सही चुना है तो यानी कि आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, इसी प्रकार से आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं। चलिए फोर्थ है इसमें आप लोग का, जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं, सर्वज्ञ, जिज्ञासु, सर्वस्त्र या फिर
शास्त्रज्ञ जल्दी सोचिए फोर्थ का क्या आंसर होने वाला है, जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं, सर्वज्ञ जिज्ञासु सर्वस्त्र या शास्त्रज्ञ। मुझे लगता है आप लोग को आंसर पता लग गया, आंसर होगा आप लोग का ए, ए का सर्वज्ञ। जी हाँ, जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। चलिए फिफ्थ है यहाँ पे आप लोग का, माथा ठटकना ठनकना का अर्थ क्या है, माथा ठटकना क्या अर्थ है, उदास होना, नुकसान होना, शक हो जाना या फिर सिर दर्द होना। 2 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है ये, माथा ठनकना क्या होता है, उदास होना, नुकसान होना, शक हो जाना, सिर दर्द होना। फिफ्थ का क्या आंसर होने वाला है, जी हाँ बिल्कुल सिंपल, फिफ्थ का सी, शक हो जाना। चलिए इसके बाद सिक्स्थ चलते हैं, आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ध्यान रखिएगा, आंख का पर्यायवाची पूछा नहीं है इसने, इसने ये कहा है पर्यायवाची नहीं होना चाहिए आंख का। चक्षु लोचन अच्छी दृष्टि, जल्दी बचाइए, चक्षु लोचन अच्छी दृष्टि क्या होने वाला है। चलिए इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग मुझे बताइएगा, ताकि मुझे पता चल सके आप लोग की कितनी प्रिपरेशन चल रही है। चलिए सेवेंथ क्वेश्चन लिखते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागू पाए, क्या होने वाला है, जो ये ब्लैंक स्थान है, काके वाके ताके सबके। बहुत ही इजी है ये श्लोक, बहुत ही इजी है, आप लोग को अब तक पता लगना चाहिए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, मीन्स यहाँ पे काके जो है आप लोग का सेवेंथ का ए, यानी कि सेवेंथ का ए आंसर आप लोग का बिल्कुल सही है। मुझे लगता है 100% बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर चूज किया होगा। चलिए इसके बाद एट देखते हैं, भुजंग का पर्यायवाची शब्द क्या है, भुजंग केचुआ गिरगिट सर्प तोता क्या होने वाला है, भुजंग का पर्यायवाची शब्द। यहाँ पे आप लोग को पर्यायवाची शब्द पूछा हुआ है, क्या होगा भुजंग का पर्यायवाची शब्द, जल्दी से जल्दी चूज कीजिए, जल्दी बताइए। 3 सेकंड का समय है आप लोग का, 1 2 3, भुजंग का होगा आप लोग का सर्प। जी हाँ, भुजंग का आप लोग का सर्प जो है पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है, इसे आप लोग देख लेंगे। यदि आप लोग को नहीं पता, ये चीजें आप लोग को आनी चाहिए। इसके अलावा आप लोग का कमल, कमल का पर्यायवाची शब्द बताएं, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ब्लैंक शब्द, यही क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आता आप लोग का। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, जल्दी बताइए। 1 प्रिय, रक्त पुरुष, नील पुरुष, सरोज, बहुत ही इजी है, 3 सेकंड का टाइम है, 1 2 3, कमल का पर्यायवाची क्या है, जल्दी सोचिए, सरोज। जी हाँ, यदि आप लोगों ने चूज किया है तो यानी कि आप लोग को बहुत ही अच्छी जानकारी है, आप लोग बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसी प्रकार से आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए। जी हाँ, इसके बाद आप लोग का 10th है, आप लोग का ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या है। जी हाँ, ज्येष्ठ का विलोम, विलोम मीन्स आप लोग को उल्टा पता करना है, ज्येष्ठ का क्या होता है, कनिष्ठ, पूर्व, भूत, अगज, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, बहुत ही इजी है। 10 का क्या होगा, क्या होगा ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या है, अब लोग तो आप लोग को पता चल जाना चाहिए। जी हाँ, ज्येष्ठ का विलोम शब्द होता है कनिष्ठ, ज्येष्ठ का विलोम शब्द कनिष्ठ। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, शुद्ध वचन, ये सब चीजें आप लोग जरूर कीजिए। 11th, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। जी हाँ, आप लोग को इसमें वाक्य दिए हुए हैं, शुद्ध कौन सा है आप लोग को बताना है, वह दंड पाने योग्य है या फिर वह दंड के योग्य है या फिर वह दंड लेने योग्य है या फिर वह दंड देने योग्य है, जल्दी बताइए कौन सा आप लोग को जो सेंटेंस सही लग रहा है। 11th का क्या होने वाला है, वह दंड पाने योग्य है, वह दंड के योग्य है, वह दंड लेने योग्य है, वह दंड देने योग्य, तो ये होगा आप लोग का 11th का बी, वह दंड के योग्य है। जी हाँ, यही आप लोग का आंसर है, आप लोग देख लेंगे, कुछ गलत लगे तो आप लोग मुझे बताइए, वह दंड के योग्य। चलिए इसके बाद आप लोग का 12th क्वेश्चन है, सिर हथेली पर रखने का क्या अर्थ है। जी हाँ, सिर को हथेली पर रखने का क्या अर्थ है, वीरता का प्रदर्शन करना, पराजय स्वीकार कर लेना, मरने के लिए तैयार होना, अहंकार का विसर्जन करना, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए क्या है, सिर को हथेली पर रखने का क्या हो सकता है। चलिए 12th का आंसर आप लोग देंगे, जी हाँ 12th का आंसर आप लोग ही दीजिएगा, ठीक है, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा, सिर हथेली पर रखने का क्या अर्थ है। चलिए इसके बाद 13वां देखते हैं आप लोग, भवन का पर्यायवाची शब्द क्या है, भवन का पर्यायवाची शब्द क्या है, मंदिर, धाम, महल, घर, भवन का पर्यायवाची क्या होता है, बहुत ही इजी है, मंदिर, धाम, महल या फिर घर, क्या होगा, 13 का डी होगा, भवन का पर्यायवाची घर होता है। जी हाँ, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद 14 देखते हैं, हिंदी शब्द किस लिपि में लिखी जाती है, वेरी सिंपल, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, गुरुमुखी में, देवनागरी में, ब्राह्मी में, सौराष्ट्री में,
बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 3 सेकंड का टाइम है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? जी हाँ, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी में लिखी जाती है हिंदी भाषा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मुझे लगता है सभी बच्चों ने इसके आंसर चूज किए होंगे। चलिए 15, जो अच्छे कुल में पैदा हो कहलाता है, क्या कहलाता है जो अच्छे कुल में पैदा होता है? सर्वज्ञ, संस्कारी, कुलीन या बहुज्ञ? जल्दी बताइए क्या होता है जो अच्छे कुल में पैदा होता है बच्चा, उसको क्या कहलाता है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। कुलीन, जी हाँ, जो अच्छे कुल में पैदा होता है वो कुलीन कहलाता है। यदि आप लोग को नहीं पता तो आप लोग की प्रिपरेशन अभी धीरे चल रही है, आप लोग प्रिपरेशन तेज कीजिए। जी हाँ, यदि आप लोग को पता है तो आप लोग और अच्छी प्रिपरेशन कीजिए। चलिए इसके बाद 16वें का आंसर है क्या होगा यहाँ पे, नाक में दम करना, मुहावरे का अर्थ बताइए। जी हाँ, नाक में दम करना क्या कहलाता है? बहुत प्रसन्न करना, बहुत परेशान करना, जिज्ञासा शांत करना, निंदा करना। मुझे लगता है मेरे बोलते बोलते आप लोग को पता चल गया होगा नाक में दम करने का क्या होगा आंसर, जल्दी बताइए। बी, बहुत परेशान करना। जी हाँ, नाक में दम करना मतलब बहुत परेशान करना। चलिए इसके बाद 17वां क्वेश्चन है, साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा? साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा? जी हाँ, क्वेश्चन को आप लोग सुनिए, स्त्रीलिंग पूछ रहा है साधु का। साधुनी होगा, साध्वी होगा, या फिर साध्वी होगा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। 17वें का क्या होने वाला है? साधु का स्त्रीलिंग, यानी कि स्त्रीलिंग में साधु को क्या बोला जाएगा? स्त्रीलिंग क्या होती है, जो मतलब स्त्री होती है, साधु का क्या होता है? जल्दी बताइए, बहुत ईजी है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। 17 का बी, जी हाँ, साध्वी, साधु का जो होता है साध्वी होता है स्त्रीलिंग। ठीक है, बहुत ईजी है, आप लोग को नहीं पता तो आप लोग इस पे ज्यादा ध्यान दीजिए, थोड़ा प्रिपरेशन तेज कीजिए। इसके बाद जो 18वां क्वेश्चन है, बच्चा की भावाचक संज्ञा क्या होती है? जी हाँ, बच्चा की भावाचक संज्ञा क्या होती है? बाल कल्पन, बालापन, बचपना या फिर बचपन? जल्दी बताइए 18वें का क्या होने वाला है, 18वें का क्या होने वाला है? बच्चा का भावाचक संज्ञा क्या होती है? बाल कपन या फिर बालापन या फिर बचपना या फिर बचपन? बच्चा का भाववाचक होता है बचपना। जी हाँ, ये भाव प्रकट करता है बचपना। 18 का यहाँ पे आप लोग का सी आंसर होगा, यदि आप लोग को पता है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए इसके बाद 19वां देखते हैं, नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है? जी हाँ, नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप आप लोग को बताना है, नेता, नेत्र, नेतिन या फिर नेताइन, नेत्री का। जल्दी बताइए नेत्री का क्या होगा, नेत्री का क्या होगा? पुरलिंग बताना है यहाँ पे आप लोग को, स्त्रीलिंग नहीं बताना, पुरलिंग बताना है। नेत्री का यहाँ पे नेता होगा। जी हाँ, 19 का आप लोग का ए आंसर है, बिल्कुल ठीक आंसर है, आप लोग देख लेंगे। इसके बाद 20वां है, आप लोग सही विकल्प चुने, वे हिंदुस्तान एकेडमी के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए लखनऊ आए हैं। तो यहाँ पे अधिवेशन, अधिवेशन कैसे लिखेंगे आप? अधिवेशन ऐसे लिखेंगे, अधिवेशन लिखेंगे या फिर अधिवेशन लिखेंगे या अधिवेशन लिखेंगे? जल्दी बताइए 20 में आप लोग का क्या होगा, अधिवेशन को कैसे लिखना है? यहाँ पे आप लोग को मिस्टेक सुधारनी है और कुछ नहीं करना। 20 का क्या आंसर होने वाला है? तो यहाँ पे आप लोग का 20 का होने वाला है, जल्दी सोचिए, सी, अधिवेशन। जी हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, जिसपे मैंने आप लोग को ब्लैंक कर रखा है, ये आप लोग का सी, येलो डिजाइन। जी हाँ, 20 का सी आंसर ठीक है, अधिवेशन। चलिए इसके बाद 21 देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द कौन सा है? संपूर्ण, सपूर्ण, सपूर्ण, संपूर्ण, कौन सा शब्द सही है? बिल्कुल ठीक, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। संपूर्ण, सपूर्ण, संपूर्ण। 21 का क्या होने वाला, जल्दी बताइए। 21 का ए, जी हाँ, संपूर्ण, ये है बिल्कुल सही आंसर, आप लोग कहीं से देख लेंगे संपूर्ण। चलिए इसके बाद 22 देखते हैं, हिंदी भाषा की आदि जननी भाषा क्या है? हिंदी भाषा की आदि जननी भाषा क्या है? पता होनी चाहिए आप लोग को, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। संस्कृत है, पाली है, प्राकृति है या फिर अपशंस है? कौन है हिंदी भाषा की आदि जननी? जल्दी बचाइए 22 का, जल्दी सोचिए हिंदी भाषा की जो आदि जननी कौन है? यहाँ पे आप लोग की संस्कृत है। जी हाँ, हिंदी की जो आदि जननी, जो जन्म है वो संस्कृत है, संस्कृत, ठीक है, संस्कृत से ही इसका जन्म है। चलिए इसके बाद 23 देखते हैं, मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या है? जी हाँ, संधि विच्छेद का क्वेश्चन 20 में एक आ गया, मनोयोग, मन योग, मन आयोग या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, मनोयोग का क्या होगा? जल्दी सोचिए, 3 सेकंड का टाइम आप लोग के पास है। 23 का क्या होने वाला है, 23 का क्या होने वाला है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी 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 जल्दी। तो 23 का आप लोग का बी है, मन योग। जी हाँ, मन योग, ये है आप लोग का आंसर बी। 23 का बी आप लोग का आंसर है।
इसके बाद 24 है, जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे क्या कहते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम में ये आ चुका है। जो ईश्वर में विश्वास रखता है, मेधावी, अवनीति, नास्तिक या फिर आस्तिक, जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे क्या कहते हैं। जी हाँ, जल्दी बताइए क्या बोलते हैं, जल्दी 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 जल्दी। 24 का क्या होगा, 24 का डी होगा, आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं उसको आस्तिक बोलते हैं। चलिए, यदि आप लोग को पता है तो बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, और अच्छी तैयारी आप लोग कीजिए ताकि आप लोग सक्सेस हो सके। 25 का देखिए, सत्य और अहिंसा का संबंध है किससे, सत्य और अहिंसा का भीषण संबंध है, विकट संबंध है, घनिष्ठ संबंध है या फिर प्रकट संबंध है। 25 का क्या होने वाला, जल्दी बताइए, सहज सत्य और अहिंसा का कैसा संबंध है, जल्दी, सत्य और अहिंसा का कैसा संबंध है, भीषण, विकट, घनिष्ठ या प्रकट। तो सत्य और अहिंसा का घनिष्ठ संबंध है। जी हाँ, 25 का सी बिल्कुल ठीक है। तो आज मैंने आप लोग को हिंदी के क्वेश्चंस भी करा दी हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो जो है इसमें मैं आप लोग को जो जीके वगैरह के क्वेश्चंस लूंगा, ठीक है, जीके रीजनिंग वगैरह के, तो मैंने आप लोग को इंग्लिश हिंदी करा दी, इंग्लिश के भी वीडियो आप लोग को मिल जाएंगे, हिंदी के भी, जीके वगैरह सभी के वीडियोस जो मैं आप लोग को लिंक सभी उसमें प्रोवाइड करा दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग सभी वीडियो देख सकते हैं ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने आप लोग को हिंदी का यहाँ पे समाप्त कर दिया। इसके बाद मैं आप लोग को जीके रीजनिंग का बता दूंगा, इसके बाद आप लोग का जो है मैथ के चैप्टर करा दूंगा, ठीक है। सभी के लिंक दे दूंगा, आप लोग सभी वीडियो वन बाय वन यहाँ पे देख लेंगे, कोई दिक्कत आप लोग को होने वाली नहीं है। वीडियो पुश करके देखिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है जो आप लोग का पेपर है ये कैसा है, मतलब कितना हार्ड है, किस लेवल का पेपर है, ये जानना जरूरी होता है। कैसे क्वेश्चन आते हैं तो इसे आप लोग ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए एक बार, दो बार, तीन बार, ताकि आप लोग किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो के टाइम। बट अभी जाने से पहले मैं आप लोगों से यही कहूंगा, यदि चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाइए। और जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कहे हैं उसके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, ताकि मुझे जो है आप लोग की प्रिपरेशन के बारे में जानकारी मिल सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के टाइम। ओके बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट।